अरे यार वो स्टोरी सुनाते हैं वंस मोर। एक और स्टोरी टाइम गाइस। भाई साहब ये ऐसी है ना, इसमें तुम गंदा हंस दोगे भाई। चलो दो हाईलाइट निकल गए, मोटा पैसा आ गया अंदर। ये है देखो, थोड़ी इंस्पिरेशन हमसे लेनी नहीं है, ठीक है? जैसे होली वाली कांड में नहीं ली थी, इसमें भी मत लेना। हमारा क्या था, पहले मैं कॉलेज में था, तब छुट्टियां चल रही थी, आई थिंक कुछ गर्मी होगी। हम देहरादून में रेंट पे रह रहे थे, ठीक है? देहरादून का भाई मौसम है बहुत सेक्सी। अब जिसे नहीं पता वो देहरादून आओ घूमो, और इस मॉनसून में जरूर घूमना। मॉनसून में बादल यूं पे तैरते रहे जमीनों पे भाई साहब। वहां ऐसा होता था कि तो हम ऐसे छत पे जाते थे, ऊपर देखते थे, पारा बादल नीचे लहरा, तब सेंटर भी थी हमारे पे, हमारे पल्सर 180 रेड कलर। तो पारस क्लास से लेता था, मेरी छुट्टी चल रही थी, मैं पूरा दिन लसेड़ की तरह पढ़ा रहा था घर पे। हाँ मैं कोर्स कर रहा था, तब ना फोन रिपेयर का कोर्स कर रहा था मैं। उस दिन मैं गया नहीं, मैंने कहा पारस बहुत दिन हो गए काम करते हुए लगातार, और गर्मी पड़ रही है तगड़ी। यहाँ पे ऐसे होता है कि मतलब गर्मी पड़ती है और फिर ठंडा हो जाता है, बारिश बुरिश पड़ गया। मैंने कहा मौसम हो रहा सेक्सी, मैंने कहा पारस चलते हैं। कहा मैंने कहा ऊपर पागल है क्या, मैंने कहा बारिश पड़ नहीं रही, बादलों वाला मौसम हो रहा, और एक बादल गिरे हुए सामने। हमने ली 4 बियर, पैक कराए मैक पफ, मैक आलू टिक्की, मैक डी से पूरा ऐसे करके एकदम पूरा पैकेज बनवा लिया, फ्रेंच फ्राइज फ्रूज फ्राइज का। तो भाई हम चले, हमने पूरी पैकेट पैक करा लिए, और तुम हम नए नए आए थे देहरादून में, रेंट पे ही रह रहे थे, घर तो था ही नहीं अपना वहाँ पे। तब क्या था, मैगी पॉइंट वाले अलाउ कर देते थे कि आओ भैया बैठ जाओ और खा पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मतलब ऑर्डर कर देना ऐसा कुछ करके। मैंने कहा ठीक है भैया, कम मैगी पॉइंट के पीछे बैठे वहाँ पे, और हमने जो स्कोरे लगा दिए चिल्ड चिल्ड बियर के, और फोटो भेज रहे अपने दोस्तों को, यार देख बाबे वहाँ पे जला रखे अपने शहर के लौटने सहारनपुर के, यार असली वजह बैठ ले रहे, या तो गर्मी पड़ रही, मौसम हो रहा सेक्सी, मौसम की वीडियो बना दे, क्योंकि हम बादलों के बीच में, बादल यूं टहल रहे, हम बीच में बैठे हुए मजे ले रहे। हमें बहुत मजा आ गया उसके बाद, ठीक है, मतलब एकदम मामला सेट हो गया। जैसे ये देहरादून है, ये मसूरी है, तो 25% रस्ते में थे, अभी 75% रस्ता था अभी मसूरी का। ये बाबूजी कहते हैं मसूरी चलेंगे भाई साहब, मैंने कहा पागल हो गया, मौसम देख जरा मसूरी चलेंगे, मैंने कहा चलो। ये वही है, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, चलो मसूरी चल दिए, और पता नहीं कैसे जा रहे हैं, अनटंट पूरा मजा आ रहा है। हां रुक तो जा, वही तो बता रहा हूं, तो ना याद है मुझे, ये हमें काट दी हुई है ये चीज। तो हम चले ऊपर, फिर मसूरी पहुंचने वाले थे, मसूरी में भाई तगड़ा जाम लग रहा था उस दिन। तुम में से जो भी मसूरी गया हो तेरा, तुम में एक टोल नहीं पड़ता बीच में, टू व्हीलर से भी टोल ले, टू व्हीलर से लेते हैं वो 20 पता नहीं 30 रुपए, गाड़ी से लेते हैं 50 रुपए, तो डिवाइडर है बीच में सड़क के, ऐसा नहीं खुली सड़क है नंगी। वैसे तो सिंगल हाईवे है पूरा मसूरी का, पर उसमें डिवाइडर है उस टोल की जगह, इधर से जाने वाले हैं उधर से आने वाले हैं। ये पता नहीं कौन सी ट्रिप में था, ऐसे जा रहा था कह रहा टोल के पैसे नहीं दूंगा, ये रॉन्ग साइड से उसके मुंह पे से बाइक भगाता हुआ ले गया, और हमारी दिल्ली नंबर की थी बाइक, तो कह रहा ऐसा कर रहा उसकी तरह। चलो जी भागे जा रहे, फिर आगे मसूरी, जब मसूरी के पास पहुंचे ना, वहां जाम लग रहा था पूरा, ये जा रहा चलाता हुआ गाड़ियों के बीच में टपाता हुआ, एक छोटा लौंडा बुड्ढी के बाल बेचता हुआ रहा था, इसने जाके ही रोक के उसके आगे, अंदित से रेस रोज भी नहीं छुट्टी, कह रहा कितने गया है, कह रहा 25 का, कह रहा 2 दे दे, वहां पे कह रहा ले शिबू खा। मुझे ये भी होश नहीं था मैं बैठा कैसे हूँ, ठीक है, क्योंकि मौसम इतना तगड़ा हो रहा था, मैं तो चारों तरफ देख रहा था। वो बुड्ढी के बाद अनसट खा लिया हमने वहां के, फिर हम गए मसूरी, वहां पे हमने बाइक लगाई, मसूरी रोड पे घूम रहे हैं, अंधे बादल कुछ नहीं दिख रहा, और मैं बार बार कह रहा मैं तो पारस देख रहा, मजा आ गया। वहां रुके रस्ते में, कहीं पॉपकॉर्न खा रहे, कहीं स्वीट कॉर्न खा रहे, कह रहा बन टिक्की खाएंगे, पूरा गंध उस रखा हमने, जो हमें रस्ते मिल रहा पता नहीं, अंडे खा लिए थे हमने, इमलियां खा ली थी हमने, पता नहीं क्या क्या खा लिया था हमने, खा लो। फिर बाबूजी कहते हैं ये थोड़ी सी और ले ले, लिटिल लिटिल। मैं कहा पागल है क्या, यहाँ वापस भी जाना है, तो मैंने कहा फिर कैसे, यहाँ अलाउड थोड़ी है। कह रहा तेरे भाई के पास आइडिया है, इन्हें ली 600 ml की स्प्राइट और थोड़ा सा कुछ लिया सामान, इसने आधी स्प्राइट खिंडाई उसमें मिक्स कर दी, कह रहा देख ट्रांसपेरेंट पूरी, और वहाँ पी गए पूरी दोनों मिलके। फिर मुझे ये नहीं पता मैं देहरादून कब आया, बीच का कोई स्टोरी टाइम नहीं है। ये बाइक चला रहा था, गाड़ी इसने रोकी डोमिनोज के बाहर, कह रहा पीजे खाएंगे, इसने जाके कहा भैया 2 पीजे तो 2 कोके कोले ले आ, तो वहाँ बैठ गए। हम अंदर ठूस गए, रात के 9 बज चुके हैं, हम खा रहे खाते खाते बाबूजी को आइडिया आता है, कह रहा शिब्बू कोई मूवी लगी भी क्या, मैंने कहा मूवी देखेंगे अब हम, कह रहा हाँ मूवी देखेंगे। सुबह 11 बजे के निकले हुए हम घर से, और ये सारा कांड करके रात के 9 बज गए। मैं सर्च कर रहा हूँ पता नहीं कौन से नशे में, मैंने वो सरदार जी 2 लगी हुई थी दिलजीत दोसांझ वाली, इतना ट्रेलर देखा ना कुछ भाई, पिज्जा खाते खाते मैंने टिकट बुक कर दी। मैं कहा चलो अंदर गए, बैठ गए, मूवी शुरू हुई। अच्छा अब मैं इधर बैठा हूँ, ठीक है, मेरे बगल में भी कोई बैठा था सरदार ही था शायद वो भी, ठीक है। अब पारस बैठा है, उसके बगल में एक अंकल जी बैठे थे, मतलब थोड़े ना फैमिली वाले। अच्छा ये मूवी दिखाने के लिए लाया मुझे कि मूवी देखेंगे, और खुद ना पहला गाना आया सो गया वहां पे ना, थोड़ी देर में यूं पड़ा हुआ, बगल में जो सरदार है ना उसके कंधे में सर रख के ऐसे। मैंने थोड़ी देर में देखा, मैंने कहा पारस कहाँ है, उधर पड़ा हुआ सरदार के कंधे पे, कराटे मुंह से थूक निकल रहा है इसके। तो फिर मैंने ना ऐसे कहा, मैं तो सिद्धो सिद्धो सरदार बोलता बगल में, अबे शराबे पी के बैठे ने थे मुश्का मार दे। मैं कहा अंकल जी सॉरी, वो थोड़ा नींद आ गई थी भाई को, कह रहा होते हो जो, मैं कहा इधर सो, इतना बेशरम गाली खा के भी भाई सो गया मेरे कंधे पे सर रख। मूवी कहती 15 गाने, फिर ये सोया हुआ, इसकी नींद खुली, गाना चल रहा। अच्छा फिर ये सो गया, फिर उठा, फिर गाना चल रहा था, फिर सो गया, फिर उठा, इंटरवल हो गया। मैं तो गया सुसु सासु कराया, ये वहीं पड़ा
पूरा हॉल खाली, बाहर लोग पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक टॉयलेट कुछ, ये 500 रुपए की टिकट लेके यू पड़ा है। रॉयल नींद, घर नहीं सोऊंगा, 500 रुपए देके थिएटर में सोऊंगा, ऐसे करके फिर उठा बड़ी प्यारी टोन में बोला, क्या यार गाने गाने थे क्या मूवी में? और मेरा सबसे इतना क्यूट आंसर था, मैंने कहा पता नहीं भाई मूवी समझ नहीं आई मुझे। घर गए अगले दिन 2 बजे उठे हम सो के लाश की तरह होता चवा। उस दिन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई, बस वो अगर सरदार गुस्सा हो जाता ना इसके थप्पड़ थप्पड़ मारता, बस यही था। इससे इंस्पायर नहीं होना, ये बचपन की स्टोरी है, इंस्पायर नहीं होना, ये थोड़े मतलब ये कंटेंट है। इतनी वाचिंग चल रही है ऐसी, देख ले भाई 87 लोग तो ऐसे हैं बिल्कुल, वो तो डाई हार्ड फैन है, चुच्चे फैन है। अब से ना स्टोरी लिख के बैठा करेंगे, आधे पॉइंट भूल जाता हूँ।